आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मूवी का ट्रेलर जो कि हमारी नजरों से नहीं गुजरा था, लेकिन आप लोगों ने हमें बता दिया कि ये जरूर देखें, एक डिफरेंट टॉपिक है। तो चलिए पूछते हैं मौलव से ये कौन सी है ये मूवी। टाइटल है जन्नत मेरी जान, ऑफिशियल ट्रेलर नुसरत, अनुज सिंह, राज, विनोद और जय। और अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है, इसको जो है डायरेक्ट किया है जय बसंतु सिंह ने। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसको प्रोड्यूस किया है विनोद भानुशाली ने, कमलेश भानुशाली ने एंड विशाल गुरनानी ने। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस मूवी को बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर करें, ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 40,000 रुपए महीना, हम जॉब के लिए रेडी है सर, क्या काम करना है? ये कन्नो है और ये सिर्फ तुम्ही को नहीं कन्नो, हम तुम दोनों को मिलके कन्नो है। ये क्या है? कंडोम है, तुम्हें नहीं पता? हमको तो पता है ये कॉन्डम है, नाम आदरणीय और काम मादरणीय। क्या 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 साले बुड्ढे, अरे यमराज के अगले ग्राहक। मन्नू को हमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। और तुम तो बेटा मन्नू को बचपन से जानते हो। मन्नू को क्या, हम तो मन्नू की मम्मी को भी जानते हैं। बताओ बताओ बताओ, आपके उल्टे पाँव में रॉड डली है ना? अगली बार ना जो बेचते हो ना वही छापा करो, ये हर जगह छोटी छतरी लगा रखा है आपने। अरे जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा कच्चा बनियान बेचते थे। लिंजरिंग, ये क्या फालतू में निचले स्तर की बातें, कच्चा बनियान क्या होता है? लिटिल अमेला कंपनी की तरफ से ये 10 कंडोम का फैमिली पैक, तालियां। अबे किसने दिया ये? कौन कौन? हमने हमने। हमें बहन क्यों बोल रहे हैं? इसकी कोई बहन नहीं है ना, घर में चार चार भाई हैं, दो दो बाप हैं, सब मर्द मर्द ही हैं। लेडीज के नाम पे बस साइकिल है। सब शीशे जन्मी बेटा, जॉब क्या करती हो? पापा ये लिटिल अम्ब्रेला कंपनी में नौकरी करती है। लिटिल अम्ब्रेला? तो बेटा घर वालों को छाते फ्री में दोगी ना, या हमसे भी पैसे लोगी? सब एक मुमनिया भारी है, ये सूचना जनहित में जारी है। तुम लोग वहाँ लाखों कॉन्डम बनाते हो, दरवाजे में 200 रुपए घंटी लगा सकते हैं। घंटी तो हमारे घर पे भी नहीं है। तो यहाँ कॉन्डम बनते हैं? और काका छिपाया धन है बता दे भाई। मनु हमसे थोड़ी बड़ी है। और हम कभी कभी बियर भी पीते हैं। स्ट्रॉन्ग? हाँ पापा। तू भी पीता है? लाइट। पूरा गुलाल इश्क वाला जो नाचे ब्रिज मेरा था। ये सब लिटिल अम्ब्रेला कंडोम कंपनी के सौजन्य से हुआ है। और तो और पैकेट भी दिए हैं, और हम तो आपके लिए एक दो एक्स्ट्रा ही ले आए। दो डब्बा कम तो नहीं है? बीवी नहीं है उनकी, भाई साहब विधवा है। पुराना मानो होली है। मान लो पूरा आप उंगली उठाओ, मैं आवाज उठाऊंगी। इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा अबॉर्शंस होते हैं। इलीगल अबॉर्शंस की वजह से लाखों लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। मर्दों के लिए शायद ये सिर्फ एक जरूरत है, पर हम औरतों के लिए ये जरूरी है। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो ये काम करती है। जिस दिन आप ये साबित कर देंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, उस दिन हम ये जॉब दोबारा छोड़ देंगे। कुछ बोलोगे तुम? दो चाय बोली थी, अभी तक आई नहीं। सब पे एक वुमन या भारी है। बात करें इस ट्रेलर की तो जब ट्रेलर थोड़ा स्टार्ट हुआ तो बीच में मुझे ना ड्रीम गर्ल वाला एक जो मूवी थी उसका टच जो है वो थोड़ा देखने को मिला, लेकिन बाद में जब कंफर्म हो गया कि ये उन्हीं की जो है डायरेक्शन है। लेकिन हाँ, मूवी की अगर बात की जाए तो एक तरफ वो टॉपिक जो है डिस्कस किए गए हैं वो वाकई इस तरह के कि हमारे माशरे में इन चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा जो है ना ये एक तरह का बुरा मनाया जाता है अगर आप ओपनली इस चीज़ पर बात करना शुरू कर दें। आज के टाइम की भी अगर बात करूँ ना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग फैमिली में बैठकर ऐसी कोई बात कर सकते हैं, या मतलब ये होता है कि लाइक अभी भी टैबू इसको समझा जाता है। बट आई थिंक ये अब चीज़ें जो हैं वो ओपनली डिस्कस होनी चाहिए, पता होना चाहिए इन चीज़ों का,
क्योंकि ठीक है इससे बहुत सारा मजाक भी निकलता है और भाई बहुत सारी बातें भी मतलब आप हंसी मजाक में कर देते हो एक दूसरे को, बट अगर सीरियस साइड पर देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि वाकई में जो हमारे किसी के लिए हंसी मजाक होता है ना वो किसी के लिए बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे कि बीच में डिस्कस भी किया गया कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनकी जान चली जाती है, तो अगर देखा जाए तो ये एक सीरियस इशू है कि वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है या क्या प्रॉब्लम होती है, और अबॉर्शन करवाने में एक औरत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। औरत के अगर मैं बात करूं तो वो सेम उसी तरह से नहीं रहती आपके, जब मतलब आपका कोई भी सर्जरी होती है तो आप में एक चेंज आता है, आपको रिकवर करने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के लिहाज से अगर देखा जाए और बात की जाए तो हाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लोगों तक पहुँचना चाहिए और लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि स्टिल हमारे बड़े भी इस चीज पर कभी भी बात नहीं करेंगे। इवन कि मैं अगर हमारे घर में भी बात करूं तो अपने बड़ों से बात करते हुए हम लोग भी रिलक्टेंट होंगे और इवन वो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो हमसे कभी ऐसी कोई बात। बिल्कुल, असल में वो बात कहती है कि आप बड़ों से जब इस तरह की वैसे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कर भी लेते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा जो है ना बुरा मनाने वाली जो है वो बात आ जाती है कि ये छोटा है, ये इसने मेरे से ये बात करी, इवन के एक बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा हो सकता है। वैसे मैं बॉलीवुड में अगर बात करूँ तो ये एक चीज है, इनके पिछले कुछ अरसे में कुछ मूवीज ऐसी आई हैं जो कि हमारे माशरे के जो इश्यूज हैं हाँ उस पे जो है उन्होंने मूवीज बनाई। जैसे मैं अगर इसे पहले अगर बात करूं तो पैडमैन मूवी की आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। पैडमैन मूवी जो है वो बहुत अच्छी थी और उसमें भी जिस तरह औरतों के प्रॉब्लम्स को लेकर जो है पीरियड्स के डिस्कशन की गई थी, जो एक उसमें दिखाया गया था वो वाकई आप जो है ना इनके क्या कह सकते हैं उसे कि ओपनली आप डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो है हम दोनों भी इस तरह थे, लेकिन क्या नाम लेते हैं वक्त के साथ साथ जो है नो डाउट चेंजिंग्स आई। आप क्या नाम लेते हैं बाहर भी तो बात करनी है ना, तो आप घर में अपने घर वालों से बात कर ले, सही बात है। लेकिन ये कि मैं खुद ये चीज ये एक चेंज फील करती हूँ कि जब आप चीजें समझते हो ना तो आप में एक चेंज आता है। यानी अगर हम लोग पैडमैन वाला ट्रेलर देखें और आज का ट्रेलर देखें तो मैं अभी बहुत कंफर्टेबल हूँ इन चीजों को डिस्कस करने में और इनके बारे में बात करने में। हाँ, बट अभी भी मैं कहीं ना कहीं पर अपने बड़ों के साथ बात करने में रिलक्टेंट रहूंगी और उसकी एक रीजन है कि उन्होंने कभी हमें वो स्पेस नहीं दी। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि इस मतलब वीडियो में ट्रेलर में हम लोगों ने देखा कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका यही एक अप्रोच रहती है और वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक नॉर्मल चीजें हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिल रही है। बट अगेन इस टॉपिक पर मूवी बनाना मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इस मूवी में एक्टर्स की बात करें तो मुझे जो है बीच में एक दो चेहरे नए लगे, खासतौर पर जो मैं लीड में एक्टर की बात करूंगा, मैंने इससे पहले उन्हें किसी मूवी में नहीं देखा, लेकिन जो है नुसरत जी की बात करें तो उन्हें जो है मैंने जय उम्मीदी में देखा और उसके अलावा जो है ड्रीम गर्ल में भी उन्हें मैंने देखा, तो अच्छी उनकी एक्टिंग है। और विजय राज सर तो वो तो मैं कहता हूँ तो है ही बहुत अच्छे एक्टर ना। वैसे मैंने लास्ट टाइम पर जो नुसरत की वीडियो मूवी देखी थी, वीडियो मूवी देखी थी वो छोरी थी, और मुझे वो भी बहुत पसंद आई थी क्योंकि उसमें भी जो बेटियों का इशू है उसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था। हालांकि थोड़ा सा उसको हॉरर मूवी टाइप की बनाई थी, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग टॉपिक था और ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पेशली मुझे लगता है औरतों के लिए काफी ज्यादा इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना औरतों के लिए बेसिकली इस तरह की बात करना ना एक बहुत ज्यादा टैबू समझा जाता है कि नहीं औरतें ऐसी बात नहीं करती। इवन कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी इस तरह का शायद मे भी बहुत सारी जगहों पर होगा कि आप नहीं उनको बोल सकती होंगी कि मतलब कॉन्डम के बारे में। तो मुझे लगता है कि स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं उन औरतों को तो मे भी पता ही ना हो इन चीजों के बारे नहीं में। पता तो होगा यार। अच्छा? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब जमाना बहुत एडवांस हो चुका हुआ है। okay. तो मेरा ख्याल है कि अब पता होगा भाई। I don't know. मुझे तो नहीं वैसे आइडिया, मुझे तो लगता है कि भाई शायद कुछ लोग अभी भी बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं जिनको इतनी ज्यादा कुछ वो हर जगह होते हैं, शहरों में भी होंगे इनोसेंट लोग, लेकिन अगर ये बात करें कि गांव वाली साइड पे औरतों को पता नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि भाई अगर बात अच्छा, करें तो मेरी बात सुने आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं ना, बेशक आपको मांगते हुए हेजिटेशन फील हो लेकिन सामने डिस्प्ले पे लगाए। अच्छा, मर्दों को भी हेजिटेशन होती है? ऑफ कोर्स होती होगी, वैसे हो, लेकिन मतलब गांव की बड़ी बूढ़ियों को तो नहीं ना पता होगा। हाँ, उन्हें नहीं इस पर पता जाएंगे तो उनको पूछेंगे। हाँ। हमारी तो पता लेकिन खैर है नहीं।
बट ये कि मेन वही बात है कि हम लोग हंसी मजाक में ये चीजें ले जाते हैं, बट इसके बड़े इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि अपने एक इश्यूज होते हैं जो कि मतलब मुझे लगता है कि हाईलाइट होने चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी है। आपका क्या कहने से बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा मजाक मत बनाना और जो अच्छे वाला पॉइंट्स है वो जरूर डिस्कस करना आप कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही हमें ज्यादा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।